क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखें, इफ 5 पेंस कॉस्ट 70 रुपीज, हाउ मच विल 12 पेंस कॉस्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है 5 पेंस का कॉस्ट 70 रुपीज है, तो 12 पेंस का कॉस्ट क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 5 पेन 70 रुपीज, पेंस इंक्रीज होंगे तो इसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, यानी ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम एक टेबल फाइंड कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। यहाँ पे टू क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ पेंस, पेंस का नंबर एंड कॉस्ट। यहाँ पे 5 पेंस कॉस्ट 70 रुपीज एंड 12 पेंस कॉस्ट कंसीडर करते हैं एक्स। यहाँ पे कंसीडर कर देंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 12 पेंस इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेंस एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, सो 5/70 इक्वल टू 12/x। यहां पे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × x इक्वल टू 12 × 70। यहां पे x इक्वल टू हो जाएगा 12 × 70/5। यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 × 14, ये हो जाएगा रुपीज। यहां पर इतना आंसर हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ 12 पेंस इक्वल टू रुपीज 168, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे टेबल करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन कैन फिल 48 कंटेनर्स इन 6 आवर्स। एक मशीन है जो कि 6 आवर्स में 48 कंटेनर्स फिल करती है, हाउ मेनी कंटेनर्स विल बी फिल्ड इन 48 आवर्स। हम यहाँ पे सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म में ही करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कंटेनर्स और फिलिंग टाइम कर देते हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स और फिलिंग टाइम, फिलिंग टाइम ये हम कर देंगे। और यहां पे नंबर ऑफ कंटेनर्स में 48 कंटेनर ये 6 आवर्स में फिल हो रहे हैं, और ये 48 आवर्स में कितने कंटेनर्स ये होंगे, लेट अस कंसीडर, लेट नंबर ऑफ कंटेनर्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ कंटेनर्स फिलिंग टाइम, हियर नंबर ऑफ कंटेनर्स एंड फिलिंग टाइम आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, सो दियर रेशियो यानी 48/6 इक्वल टू एक्स बाई 48। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × x इक्वल टू 48 × 48, ठीक है ना। यहाँ पे x की इक्वल टू 48 × 48/6 जा, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 48 × 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 384 कंटेनर्स को फिल किया जा सकता है 48 आवर्स में।